और क्लीनलीनेस होंगे यहाँ का बाग। और नांदेड़ में माहद हजरत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिता अमल में आया है। मदरसे के बानी मोहतमे मोहम्मद साबे ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इस जमन में तमाम तफसीलात फराहम की है। हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे स्कूल का तालिब इल्म और तालिबा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल ता हश्तुम स्कूल जारी है और अनकरीब इंशाअल्लाह हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस इस तरह से जैसा आज स्कूल हमारा स्कूल के अंदर मखलूत तालीम नहीं है बल्कि एक वक्त सुबह की शिफ्ट में अव्वल ता हश्तुम लड़कियां हैं और अव्वल ता हश्तुम लड़के दोपहर में हैं बल्कि हमने मखलूत तालीम नहीं रखी है। लड़कियों का अलग और लड़कों के लिए अलग शिफ्ट है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का हर तालिब इल्म जैसा कि मुफ्ती खलील रहमान साहब ने बताए कि आज के तालिब इल्म को मराठी अंग्रेजी और अरबी पे बहुत ज्यादा उबूर होना चाहिए और दीनी सलाहियतें अरबी में मराठी में इंग्लिश में उसको बतलानी चाहिए। इसी तरह के अजायम लेकर मैं उठा हूँ कि अनकरीब मौत से पहले मेरे स्कूल का हर तालिब इल्म इंग्लिश मराठी अरबी ये जुबान पे उबूर हासिल करे और स्कूल के अंदर जो है सो बच्चे हाफिज कुरान बने आलिम दीन बने 12 साल मुकम्मल इल्म हासिल करते हुए असरी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ वो जो है सो दीनी तालीम भी हासिल करे यानी कि हाफिज बनकर निकले और जो है सो आलिम बनकर निकले। बल्कि बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। थोड़ी देर में हाजिर होंगे मुंसिफ प्राइम टाइम के साथ।